हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं कैसे बजट नेकबैंड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जहां पर आपको गेमिंग मोड, ईएनसी टेक्नोलॉजी और 45 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है, वो भी 1000 रुपीज़ के अंदर। और इस नेकबैंड का नाम है ज़ेब्रोनिक्स योगा N3 नेकबैंड। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग एंड फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो एंड तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पर हमारे ऋतिक भाई दिख जाते हैं। बाकी यहाँ पर नेकबैंड की डिज़ाइन बनी हुई मिल जाती है। और इस सेट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मेंशन किए हुए मिल जाते हैं, जो कि वीडियो में डिस्कस करेंगे। बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक कार्ड मिलता है, जिस पर QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पर पेपर का वेस्ट नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पर टाइप सी केबल मिल जाती है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर नेकबैंड रखा हुआ मिल जाता है। तो ये रहा नेकबैंड, और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी है और देखने में थोड़ा यूनिक लगता है। बाकी इसके फिजिकल और व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती है, जो कि दिखने में कूल लगती है। और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाती है। पहले मुझे लगा कि ये डिज़ाइन है, बट ये एक्चुअल में बटन्स हैं और ये अच्छे से वर्क करती हैं। और यहाँ पर माइक्रोफोन मिल जाता है। इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है प्राइस को देखते हुए। बाकी ऊपर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर रबर का दिया गया है, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। बाकी बड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटालिक बिल्ड मिल जाती है, और बड्स की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो डिज़ाइन काफ़ी सही है इसकी, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है प्राइस को देखते हुए। बाकी कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इस तरह से आप इसको पहन सकते हैं। बाकी इसमें आपको मैग्नेट भी मिल जाता है, तो इस तरह से ये दोनों चिपक जाते हैं और आप इस तरह से इसको हैंग कर सकते हैं। बाकी बड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इन ईयर स्टाइल के बड्स मिल जाते हैं, और पहन कर देखते हैं कि ये कितना कम्फर्टेबल होने वाला है। वैसे तो इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ, बट आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से कानों में फिट हो जाता है, और आप जितना भी हेड को हिलाएंगे ये गिरने वाला नहीं है। तो फिटिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के जो बड्स होते हैं वो काफ़ी लोगों को इरिटेट भी करते हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी मिल जाती है, जो कि आप अपने कानों के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। तो फिटिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, और ये स्प्लैश प्रूफ है, तो हल्की फुल्की बारिश में या फिर जिम में जाते हैं, पसीना होता है, तो इसे ये ख़राब नहीं होगा। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, और इसकी कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है, और जैसे भी इसको ऑन करते हैं तुरंत ये पेयर हो जाता है फोन से। और इसमें डुअल पेयरिंग का फीचर भी मिल जाता है, तो दो डिवाइस के साथ आप इसको एक ही टाइम में पेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास लैपटॉप भी है या फिर फोन है, तो दोनों में आप इसको पेयर कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी सही लगा। इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर आपको जो बेस मिलती है काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। बाकी वोकल्स की बात करें या फिर ट्रेबल्स की, काफ़ी अच्छे सुनाई देते हैं, हालांकि जो बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और लाउडनेस की बात करें तो काफ़ी लाउड है, और इसका जो बेस्ट आउटपुट है वो है 70% पे। और इसको जब फुल वॉल्यूम पर करते हैं तो वहाँ पर जो बेस है वो थोड़ा सा ओवर पावर हो जाती है। बाकी देखा जाए तो साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें। और यहाँ पर म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए बटन भी दी गई है, और बीच वाले बटन को प्रेस करेंगे तो सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं, और दो बार प्रेस करेंगे तो गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। बाकी प्रेस करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। बाकी ऊपर नीचे जो बटन दी गई है उससे आप वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं और प्रीवियस कर सकते हैं। बाकी बात आती है गेमिंग मोड की, तो इसमें आपको लो लेटेंसी मिल जाती है, और इस पर पबजी या फिर COD खेल सकते हैं, और आपको कोई भी लेटेंसी का इशू नहीं होगा। और मैंने इसमें गेम भी प्ले किया है, तो यहाँ पर आप लोग सैंपल देख सकते हैं। इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इसमें ENC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और ये एनवायरनमेंट के नॉइस को काफ़ी हद तक कम कर देती है। और जब आप कॉल पर बात करते हैं तो सामने वाले को काफ़ी क्रिस्प आवाज़ सुनाई देती है। बाकी यहाँ पर मैं इसकी माइक की क्वालिटी आप लोगों को सुना देता हूँ। तो अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे कैमरे की माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस नेकबैंड के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो जब आप कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो। बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, और इसमें आपको 45 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है। तो आप मानकर चलिए अगर आपको 4-5 घंटे कम भी मिलते हैं तो भी आपको 40 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार मिलने वाला है। अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जो प्राइस है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो है 999 रुपये, और ये आप लोगों को आज से अमेजोन पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइस के देखते हुए भाई काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है, और जिन लोगों को गेमिंग करना है या फिर एक ऐसा नेकबैंड लेना चाहते हैं जिसका बैटरी बैकअप अच्छा हो, तो इसके लिए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कमी की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है,
हालांकि बिल्ड क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। और दूसरी कमी की बात करें तो जब आप इसको फुल वॉल्यूम पर करते हैं तो वहाँ पर जो बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, तो यही कुछ कमी भी है। बाकी देखा जाए तो भाई काफ़ी सही डिवाइस है प्राइस के अकॉर्डिंग, और आप लोग ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।